दोस्तों भी हाल ही में आपने एक अपडेट जानी होगी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मिनिमम पेंशन है 1000 रुपये से बढ़ा के 5000 रुपये करने की बात कही जा रही है। अब यहाँ पे प्रश्न ये होता है कि 5000 रुपये क्या होगा, क्या टॉप पॉइंट 5000 रुपये होगा और मिनिमम पॉइंट 1000 रुपये होगा, या तो फिर मिनिमम पेंशन ही 5000 रुपये होगी, यानी कि 5000 रुपये से नीचे कोई भी पेंशनर्स आएंगे ही नहीं, सभी पेंशनर्स को 5000 रुपये से अधिक की पेंशन राशि मिलेगी। जितने भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, काफ़ी ज़्यादा उन सब के मन के अंदर में कन्फ्यूजन बना हुआ है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे आज के अपने इस नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, उमेर टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सबके प्यार और आशीर्वाद की वजह से आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ और एक बार फिर से वीडियो लेके आया हूँ। तो इसी प्रकार से अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मन के अंदर में जो प्रश्न उठ रहा है, वो प्रश्न ये है कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की गई है, तो जैसे 1000 रुपये से कम वाले जो पेंशनर्स हैं, जिनको महज 500, 600, 700, 800 रुपये की पेंशन राशि मिल रही है, तो उनके लिए क्या किया जाएगा, उनके लिए क्या प्रावधान है, क्या उनको भी 5000 रुपये से बढ़ के पेंशन मिलेगी, या पेंशन का यह प्रावधान है कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं वो टॉप एंडिंग जो पॉइंट होगा वो 5000 रुपये होगा, यानी कि 1000 रुपये मिनिमम पेंशन और हाइजेस्ट जो हायर पेंशन होगी यानी कि जो टॉप पॉइंट पे होगा वो होगा 5000 रुपये। तो ऐसा नहीं है। अब इसी चीज़ को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो हायर पेंशन का एक वैल्यू वेला मतलब कि वो है, वो दूसरा मैटर है कि हायर पेंशन की सुनवाई चल रही है, जो हायर पेंशन मिलेगा उसके लिए अलग फार्मूला होगा, जो मिनिमम पेंशन बनेगा इसके लिए एक अलग फार्मूला होगा। अब यहाँ पे समझने की बात करिए, समझिएगा, जैसे 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं जिनकी मिनिमम पेंशन है वो 1000 रुपये से बढ़ के होगी सभी की, तो जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक थे उन सभी की पेंशन में इजाफा हुआ था। जो पेंशन फार्मूला लगाया गया था उस फार्मूले के आधार पर कंट्रीब्यूशन आया था सामने कि जिसका जितना कंट्रीब्यूशन होगा उसी परसेंटेज के हिसाब से उसकी पेंशन में वृद्धि हो गई थी। ठीक उसी प्रकार से फार्मूला यहाँ भी लाया जाए और उसी फॉर्मूले के उसी पैटर्न के आधार पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन है उसमें वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि क्या मिनिमम पेंशन का जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो 1000 होगा और जो टॉप का पॉइंट होगा वो 5000 रुपये होगा। टॉप का पॉइंट यानी कि 5000 रुपये से अधिक किसी की पेंशन नहीं होगी और 1000 रुपये से कम किसी की पेंशन नहीं होगी। जितने भी पेंशनर्स होंगे वो उसके बीच में रहेंगे। बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारक ये चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन इसको ऐसा नहीं समझ रहा है, इसको समझिएगा ऐसे। इसमें कोशिश यह की जाएगी कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं वो जो टॉप पॉइंट है इसका मैं 5000 रुपये बता रहा हूँ, तो 5000 रुपये के नीचे कोई नहीं होगा। यानी कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ही घोषणा किया था कि जो मिनिमम पेंशन है वो 1000 रुपये से सबकी अधिक होगी, ठीक उसी प्रकार से यह घोषणा होगी कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन है वो मिनिमम पेंशन 5000 रुपये होगी। यानी कि अब जो ईपीएस 95 पेंशन धारक होंगे वो 5000 से नीचे नहीं आएंगे, अब 5000 से प्लस में ही उनको पेंशन की राशि दी जाएगी, यानी कि उनको 5000 रुपये से ज़्यादा पेंशन की राशि दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों के मन के अंदर में जो गलत फहमियाँ थी कि जो मिनिमम पेंशन है वो कितना होगा, 1000 रुपये से नीचे के जो पेंशनर्स हैं उनको कितनी पेंशन की राशि दी जाएगी और जो हायर पेंशन है उसको किस प्रकार से इसमें रखा जाएगा। तो हायर पेंशन का जो मामला है वो ऑलरेडी विचाराधीन है, उस पर काम हो रहा है, उसका जो तो पेपर वर्क कंप्लीट किया जा रहा है, लेकिन मिनिमम पेंशन पे अभी जो जानकारी निकल के सामने आई थी, अगर मिनिमम पेंशन 5000 रुपये किया जाएगा तो 5000 से नीचे कोई भी पेंशनर्स नहीं होंगे, जितने भी पेंशनर्स होंगे वो 5000 के ऊपर होंगे। यानी कि जैसे 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1000 रुपये की घोषणा की थी, तो जो फार्मूला लगा था कि 1000 रुपये हो गया है और 1000 रुपये से सबको प्लस में पेंशन की राशि मिलने लगी थी, ठीक उसी प्रकार से इस बार भी वही घोषणा 1000 की जगह 5000 रुपये होगा और जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक होंगे उनको 5000 रुपये से प्लस की पेंशन मिलने लगेगी। उसमें भी महत्वपूर्ण होगा कि आपका कितना कंट्रीब्यूशन है, उसी कंट्रीब्यूशन के ही आधार पे उस फार्मूले पे आपको रखा जाएगा, उसी फार्मूले के आधार पे आपको पेंशन की राशि मिलने लगेगी। लेकिन ये तो श्योर है कि किसी भी पेंशनर्स को 5000 से कम की पेंशन नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो 100% आपके समझ में जरूर आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ चैनल पे कमेंट करिएगा, व्हाट्सएप पे कमेंट करिएगा, व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते
सकते हैं और उसकी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।